हेलो भाइयों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम पर बात करेंगे जो न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में जो ओडीआई सीरीज चल रही है उसका। कल यहाँ पर सेकंड मुकाबला होगा जो कि मॉर्निंग में 7 बजे स्टार्ट होगा। ये मुकाबला खेला जाएगा सेल्डन पार्क हैमिल्टन में। तो इस मैच की मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, बस आपको ये वीडियो अंत तक पूरा वॉच करना है। सबसे पहले भाइयों, अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि आफ्टर टॉस जो भी अपडेट्स आएंगी सारी की सारी आपको वहीं पर मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर मैच के बारे में। तो ये मैच 7 बजे स्टार्ट होगा, मॉर्निंग में मैच खेला जाएगा सेडन पार्क हैमिल्टन में। और ये जो विकेट है, देखो जनरली मैंने यहाँ पर देखा है कि ये ना फास्ट बॉलर्स को थोड़ा बहुत मदद करता है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, मतलब स्टार्टिंग में फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलेंगी, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर ना रन भी बनते हैं। एवरेज स्कोर 250 से 280। पहले बात करेंगे इंडिया की टीम की। इंडिया की टीम अपना पहला मुकाबला हार गई थी। इंडिया की तरफ से यहाँ पर ओपन किया था शिखर धवन और शुभमन गिल ने। शिखर धवन ने पहले मैच में 72 की अच्छी नोक खेली थी। हेड टू हेड में न्यूजीलैंड के खिलाफ 13 मैच में 432 36 का एवरेज है, ठीक ठाक सा रिकॉर्ड है। शुभमन गिल पहले मैच में 50 रन की बढ़िया पारी खेली थी, हेड टू हेड में 3 मैच में 66 है। लेकिन अगर इंडिया की टीम पहले बॉलिंग करती है ना तो गिल यहाँ पर फेल हो सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ना साउदी और लॉकी फर्गुसन या फिर मैट हेनरी भी आ जाते हैं, तो वो बॉल को बहुत अच्छा स्विंग करवाते हैं, तो वहाँ पर गिल के फंसने के पूरे पूरे आसार हैं। श्रेयस अय्यर का भाई न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत तगड़ा रहा है हमेशा से, और लास्ट मैच में भी 80 की पारी है। उससे पहले भी आप देख लो 4 मैच में 297 रन 74 का एवरेज है इनका न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ इनको खेलना बहुत पसंद है ओडीआई में। ऋषभ पंत 15 ही रन कर पाए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, 2 मैच में 47 हैं। ओवरऑल अपने करियर में 28 मैच में 855 हैं। लास्ट मैच में भी आपने देखा होगा ऋषभ पंत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। स्काई जो है लास्ट मैच में जरूर जल्दी आउट हुआ, लेकिन हर मैच में ऐसा नहीं होने वाला है। अपने करियर में 14 मैच में 344 हैं, और आपको पता ही है कि भाई T20 में बंदा अपनी प्राइम फॉर्म में है। तो भाई स्काई और गिल दोनों में से आपके पास चॉइस रहेगी, मैं स्काई के साथ इस मैच में अभी के लिए जाऊंगा। संजू सैमसन 36 रन की पारी खेली थी, लेकिन संजू सैमसन आएंगे नंबर 6 पर, ये भी बात ध्यान में रखना। करियर में 11 मैच में 330 रन 66 का एवरेज है। वॉशिंगटन सुंदर पहले मैच में 37 नो डाउट रन भी किए हैं, 10 ओवर भी डाले, हालांकि विकेट लेस रहे, लेकिन फिर भी ठीक ठाक प्लेयर है, चाहो तो ट्राई कर लेना। बस दिक्कत क्या है ना कि जो न्यूजीलैंड की टीम है ना उनमें लेफ्ट हैंडर जो है वो 2 हैं, मतलब एक तो है डेवन कॉनवे, दूसरे जो लेफ्ट हैंडर आएंगे वो आएंगे टॉम लेथम, तो उनको ही आउट करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बाकी मेरे को लगता नहीं इनको उतने विकेट मिलने चाहिए। शार्दुल ठाकुर भाई एक विकेट टेकर बॉलर हैं, लास्ट मैच में 1 रन 1 विकेट था इनके नाम। हेड टू हेड में 4 मैच में 26 5 विकेट है, करियर में 28 मैच में 258 40 विकेट है। उमरान मलिक पहले मैच में 2 विकेट इनको मिले थे, लिस्ट में 4 मैच में 4 विकेट है, तेज बॉल डालते हैं। देखो बॉलिंग ना मेरे को तो मतलब उतनी ज़बरदस्त इनकी बॉलिंग लगती नहीं कि भाई विकेट टेकर बॉलर है, बस ये कि बहुत सी बार क्या होता है कि जो इनकी हाई पेस है ना उनके चक्कर में फंस जाते हैं बैटर्स, तो अगर आप चाहो तो रख सकते हो। अर्शदीप सिंह भाई आपको पता है बहुत अच्छा बॉलर है, हालांकि पहले मैच में विकेट लेस रहा, लिस्ट में 18 मैच में 21 विकेट है, और T20 में आपको पता है किस लेवल का बल्लेबाज है, अगर बॉलर है मतलब, अगर इसको थोड़ा भी स्विंग मिला ना फिर भाई ये अच्छे खासे विकेट ले जाएगा। यूजी चहल दूसरा ट्रंप मैच, ये भी विकेट लेस था, लेकिन ध्यान रखना भले ही पहले मैच में विकेट लेस गया हो लेकिन हेड टू हेड में 12 मैच में 20 विकेट है। और न्यूजीलैंड के जो प्लेयर है ना केन विलियमसन को छोड़ के सारे लगभग स्पिनर्स के सामने फंसते हैं। यहाँ पर जो डेवन कॉनवे, सॉरी यहाँ पर टॉम लेते हैं वो तो फिर भी खेल लेते हैं, लेकिन डेवन कॉनवे हो गए, फिन एलन, डेरिली मिचल, ये सब फंसते हैं स्पिनर्स के सामने। तो अभी के लिए यहाँ से मैं रखूँगा शिखर धवन को रखूँगा, श्रेयस अय्यर को रखूँगा, स्काई को मैं यहाँ पर रखूँगा मतलब सूर्य कुमार यादव, नीचे से मैं शार्दुल ठाकुर, अर्शदीप सिंह और यूजी चहल को रखूँगा। आप चाहो तो किसी और को पिक कर सकते हो, बाकी बेंच पर जो भी इंडिया के प्लेयर्स हैं इनमें से किसी को चांस मिलता है तो उनके स्टैट्स आपको मिल ही जाएंगे। यहाँ से स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे अर्शदीप सिंह, शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर, डेथ के ओवर डालेंगे अर्शदीप सिंह, शार्दुल ठाकुर, यूजी चहल और उमरान मलिक। बात करेंगे दूसरी टीम यानी कि न्यूजीलैंड की टीम की। न्यूजीलैंड की टीम भी अपना पहला मुकाबला यहाँ पर जीती थी, ओपन किया था फिन एलन और डेवन कॉनवे ने। भाई फिन एलन एक हिटर प्लेयर है, मतलब ये ना T20 खिलवा लो, ODI खिला लो, सब में आते ही शॉट्स लगाता है, तो विकेट देने के इसके चांसेस हमेशा हाई रहते हैं। हाँ रन बना सकता है लेकिन चांसेस थोड़े कम रहते हैं। डेवन कॉनवे पहले मैच में 24 पर आउट हुए थे और करियर में 10 मैच में 387 रन है। ओवरऑल एक कंसिस्टेंट प्लेयर है, पिक कर सकते हो। केन विलियमसन 94 नॉट आउट है
और इंडिया के खिलाफ ओडीआई में रिकॉर्ड भी अच्छा है, 26 मैच 1078 रन, 43 के एवरेज, 5 विकेट है। डेरली मिचेल 11 रन किया था, हेड टू हेड में एक मैच में 11 है, करियर में 11 मैच में 373, 53 का एवरेज, 1 विकेट है। टॉम लेथम पहले मैच में 145 नॉट आउट किया था और इंडिया के खिलाफ इनका भी रिकॉर्ड बढ़िया है, 18 मैच में 846 रन, 65 का एवरेज है। ग्लेन फिलिप्स पहले मैच में बैटिंग बॉलिंग कुछ भी इनको नहीं मिली थी, करियर में 7 मैच में 157, 3 विकेट है। फिर आएंगे यहाँ से मिचेल सेंटनर, पहले मैच में विकेट लेस रहे थे, इंडिया के खिलाफ 16 मैच में 135, 10 विकेट है, ठीक ठाक सा इनका रिकॉर्ड है। एडम मिल्न पहले मैच में एक ही विकेट मिला था, रन भी दिए थे, 5 मैच में 5 विकेट है, हेड टू हेड में करियर में 41 मैच में 42 विकेट है। मैट हेनरी ये भी विकेट लेस गए थे, लेकिन ध्यान दो इंडिया के खिलाफ 7 मैच में 14 विकेट है, और याद होगा आपको 2019 का वर्ल्ड कप, वहाँ पर इन्होंने इंडिया को बहुत परेशान किया था। टिम साउदी 3 विकेट ले गए थे और अभी डेथ में आ रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है, इंडिया के खिलाफ 22 मैच में 192, 33 विकेट है। लोकी फर्गुसन अपने पेस से सबको मतलब घायल कर रहे हैं एक तरह से, 5 मैच में 7 विकेट इनके नाम है हेड टू हेड में। तो यहाँ से मैं अभी रखने वाला हूँ डेवन कॉनवे, केन विलियमसन, टॉम लेथम, नीचे से यहाँ पर पिक करूंगा मैं टिम साउदी और लॉकी फर्गुसन को। यहाँ से अगर आप चाहो तो एडम मिल्न या फिर मिचेल सेंटनर में से किसी एक को पिक कर सकते हो, बाकी बेंच पर जो भी इनके प्लेयर्स हैं इनमें से कोई खेलता है उसके स्टैट्स मिल जाएंगे। यहाँ से स्टार्टिंग के ओर डालेंगे टिम साउदी, मैट हेनरी, लॉकी फर्गुसन, डेथ के ओर डालेंगे टिम साउदी, मैट हेनरी, एडम मिल्न, मिचेल सेंटनर और लॉकी फर्गुसन। एनालिसिस वाला जो पार्ट है इस मैच का वो हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चलते हैं डेमो टीम की तरफ। बात करूं मैं यहाँ पर डेमो टीम की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने यहाँ पर रखा है डेवन कॉनवे और टॉम लेथम को, बैटिंग सेक्शन से मैंने रखा है अय्यर, स्काई, शिखर धवन, केन विलियमसन, और ऑलराउंडर सेक्शन से शार्दुल को रखा है, और बॉलिंग सेक्शन से अर्शदीप सिंह, लॉकी फर्ग्यूसन, यूजी चहल और टिम साउदी को रखा है। कैप्टन मेरे यहाँ से सुरेश अय्यर है, वाइस कैप्टन केन विलियमसन है, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम जो भी होगी आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, सबसे पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो थैंक यू भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।